देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। फायर सीजन के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न संस्थाओं से जुड़े 50 लोगों को केदारनाथ वन प्रभाग की ओर से सम्मानित किया गया। रविवार को केदारनाथ वन प्रभाग के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वन पंचायत, सरपंच, ग्राम प्रधान और राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े 50 लोगों को सम्मान दिया गया है, जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में उत्तम काम किया। कार्यक्रम का शुभारंभ पद्म भूषण चंडी प्रसाद भट्ट जी द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ वन प्रभाग द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में वनाग्नि के समय अहम भूमिका निभाने वाले महिला और पुरुषों को जो सम्मान दिया जा रहा है, ये सकारात्मक है। इससे आने वाले समय में लोग पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आएंगे और उनके मनोबल में वृद्धि होगी। वहीं के प्रभागीय अधिकारी केदारनाथ इंद्र सिंह नेगी ने कहा कि वनाग्नि की घटनाओं को कम करने के लिए बिना ग्रामीणों की सहभागिता की असंभव है। ऐसे में जिन ग्रामीण महिला पुरुषों के साथ विभिन्न संस्थाओं से जुड़े लोगों ने पर्यावरण क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं, बेहतरीन कदम उठाए हैं, उनके लिए केदारनाथ वन प्रभाग द्वारा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। पौड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने जनपद में सड़क के किनारे खड़े पुराने वाहनों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि जनपद के संबंधित नगर पालिका, नगर निगम तथा पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे खड़े पुराने वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर स्विफ्ट करने का काम करें और कहा कि किसी विभाग द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उस विभाग का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाएगा। सरोवर नगरी नैनीताल में श्री राम सेवक सभा द्वारा आयोजित नंदा देवी महोत्सव इस साल सितंबर से शुरू होगा और महोत्सव का ये करीब 120वां वर्ष है तथा राम सेवक सभा इसे लगातार आयोजित करती आ रही है। सभा भवन में शहर की महिलाओं के साथ बैठक हुई है, जिनकी अध्यक्षता यहां पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साथ ही साथ दीपदान के साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 25 किलोमीटर दूर नैनीताल के भवली अल्मोड़ा मार्ग पर बसे गर्म पानी के समीप एक बस का संतुलन बिगड़ जाने के कारण 3 दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। दुकान के अंदर वो जा घुसी, जिससे अफरातफरी का माहौल हो गया। लोगों ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। बता दें कि इस बस में करीब 20 यात्री सवार थे। बस रानीखेत को जा रही थी। बस चालक मौका देखकर घटनास्थल से फरार हो गया। वहीं घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गर्म पानी पहुंचाया गया। सरोवर नगरी नैनीताल के आसपास बकरीद की नमाज अदा की गई। इस मौके पर मौलाना अब्दुल खालिद ने ईद की नमाज अदा कराई। उन्होंने कहा कि सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं, ईद का त्यौहार मना रहे हैं और भाईचारा बनाए रख रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां दी हैं। ईद की नमाज के बाद लोग अपने अपने घर पहुंचे, कुर्बानी दी। इसके अलावा भवाली, भीमताल, मोटा मार्ग, इमामबाड़ा, कृष्णापुर, जोलीकोट में भी ईद की नमाज अदा की गई और शांतिपूर्ण तरीके से ईद का त्यौहार मनाया गया। गदरपुर थाना अंतर्गत 4 लुटेरों के द्वारा गदरपुर निवासी कपिल अनेजा, जो रुदपुर से गदरपुर की तरफ आ रहा था, मेहताज के पास 4 लोगों ने कपिल अनेजा को रोका और तमंचा और चाकू के बल पर करीब 5,500 रुपए लूट लिए। मारपीट की और जान से मारने की धमकी देने लगे और पीछे से आ रहे ट्रक को रोकर लुटेरों ने ड्राइवर से पैसे लूटे। कपिल अनेजा की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीत कर लिया है। पुलिस ने आनन फानन में टीमें गठित कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। तत्कालीन कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चारों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका खुलासा क्षेत्रीय अधिकारी बंदा वर्मा ने किया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी बलराम वर्मा ने कहा कि लूट की घटना की तत्कालीन कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से नकदी, तमंचे, चाकू, धारदार हथियार और तमाम चीजें बरामद हुई है। साथ ही साथ इनकी बहुत पहले से तलाश थी, कई मुकदमों में ये वांछित चल रहे थे। देवप्रयाग द्वारा SDRF को सूचित कराया गया कि तोता घाटी मंदिर के पास एक व्यक्ति फोटो खींचते समय यानी कि सेल्फी लेते समय खाई में जा गिरा।
सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट 82 से रेस्क्यू टीम हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह के हमराह तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। गहरी खाई में उतरकर टीम द्वारा युवक तक पहुंच बनाई गई। गौरतलब है कि बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी के पास युवक जिसका नाम मिंटू है, जो कि दिलीप पंडल के बेटे हैं और दिल्ली कैंट प्रहलादपुर गांव का निवासी है, जिसकी उम्र 29 साल बताई जा रही है, वो सेल्फी लेते वक्त गहरी खाई में गिर गया था। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम द्वारा मृतक के शव को बरामद कर पुलिस के सुपुर्द किया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए ऋषिकेश में भी हरियाली महोत्सव के कार्यक्रम होने शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पीयूष अग्रवाल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में नटराज श्यामपुर बाईपास मार्ग स्थित वन विभाग की भूमि पर पौधारोपण किया। इस दौरान 100 से ज्यादा औषधीय और फलदार पौधे लगाए गए। मौके पर देखा गया कि विगत वर्ष लगाए गए पौधे अब धीरे धीरे पेड़ बनते जा रहे हैं। नजारा देख दोनों कैबिनेट मंत्री ने रखरखाव के लिए वन विभाग के अधिकारियों की प्रशंसा की। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण लोगों को जागरूक करने के लिए भी वन अधिकारियों को निर्देश किया है। बीआरओ की कड़ी मशक्कत के बाद 24 घंटे के बाद कर्णप्रयाग ग्वालदम नेशनल हाईवे खुला है। नारायणबगड़ के समीप मौनाछेड़ में दोपहर 2 बजे से कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे बाधित था। सैकड़ों वाहन फंसे हुए थे। सड़क के खुलने से जाम में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं दूसरी तरफ कई ग्रामीण इलाके अभी बुरी दशा उनकी बनी हुई है और लोगों को पैदल ही आवाजाही करनी पड़ रही है। उत्तरकाशी बड़कोट के वार्ड नंबर 7 में गढ़वाल मंडल विकास निगम का भवन बना, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग से लगा हुआ है। मुख्य सड़क से मात्र 50 मीटर दूरी पर स्थित जीएमवीएन का गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस को जोड़ने वाली सड़क के हाल बेहाल नजर आए हैं। विभाग कह रहा है कि हमारे पास सड़क को ठीक कराने के लिए बजट नहीं है, जिससे कि सड़क को ठीक किया जा सके। आजकल जबकि बरसात का सीजन होने के बावजूद भी सड़क को ठीक नहीं किया जा रहा। सड़क कभी भी भरभरा कर नीचे गिर सकती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़क के कितने बुरे हाल हो चुके हैं। कभी कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी इसके सुधर लेने वाला नहीं है। सड़क पर गड्ढे और मोटी मोटी दरारें पड़ी हैं, जो कभी भी पानी भरने से नीचे गिर सकती हैं। उत्तरकाशी में हो रही बारिश, जहां ऊंचाई वाले इलाकों में पहाड़ी एरिया में हो रही जमकर बारिश, जिससे लोग परेशान हैं, तो वहीं अब धीरे धीरे करके निचले इलाकों में भी बारिश तेज हो रही है, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा नदी का बहाव और जलस्तर काफी बड़ा हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी किसी क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है और सावन से पहले ही इस बार गंगा नदी का जो जलस्तर है वो पहले से काफी बड़ा हुआ है, जिससे कि गंगा नदी का एक विराट रूप देखने के लिए मिल रहा है। वहीं बात की जाए यमुनोत्री की, तो यमुनोत्री में भी लगातार जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर भारी बरसात हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर बरसात नहीं हो रही है, लेकिन वहां पर भी नदियां उफान पर हैं। ऐसे में लोग दहशत में हैं। ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग भारी बारिश और के चलते चट्टान गिरने से बीते 19 घंटों से मौना के पास अवरुद्ध ही चलता रहा। शनिवार दोपहर के बाद तकरीबन 3 बजे के आसपास भारी बारिश के बाद नारायणबगड़ से कुछ दूरी पर मौना में चट्टान गिरी और मलबानी से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया था, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने के लिए मिला। हालांकि बहुत कोशिश की जा रही थी कि जल्द से जल्द सड़क को खोला जा सके, लेकिन बरसात की वजह से ऐसा हो पाना संभव नहीं हो पाया। कड़ी मशक्कत के बाद रास्ता खुला है। कन्नौज में वृक्षारोपण के लिए आरपीएफ ने शुरुआत की है। रेलवे स्टेशन परिसर में आरपीएफ के जवानों ने वृक्षारोपण किया। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत पौधे रोपे गए हैं। आरपीएफ इंस्पेक्टर ओपी मीना ने वृक्षारोपण की शुरुआत की। इंस्पेक्टर बोले कि आरपीएफ इन पौधों की सुरक्षा करेगी। हाथरस में पुरानी रंजिश के चलते दूध की डेयरी के संचालक को हमलावरों ने गोली मार दी। गोली लगने से घायल डेयरी संचालक को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। डेयरी संचालक ने गांव के ही युवकों पर पुरानी रंजिश में गोली मारने का आरोप लगाया है। गोलीकांड की सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है। कोतवाली हाथरस के क्षेत्र के गाँव नयाबास की पूरी घटना बताई जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।